चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो जन जन तक पहुँचाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय अनीति अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। बहुत सोए अब जगना होगा, परिवर्तन में लगना होगा। बहुत सोए अब जगना होगा, परिवर्तन में लगना होगा। सारी दुनिया को बतलाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के बाद से अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वह सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आवाहन करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही
राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी कर्मयोगी धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। नशा मांस से दूर ही रहना बनो चरित्रवान है कहना। नशा मांस से दूर ही रहना बनो चरित्रवान है कहना। ना समझ है जो समझाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाए आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय अनीति अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। राष्ट्र धर्म मानवता के हित खुद को करना होगा समर्पित। राष्ट्र धर्म मानवता के हित खुद को करना होगा समर्पित। तभी देश भक्त कहलाए हम गुरुवर का संदेशा। चलो जन जन तक पहुँचाएं हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाएं हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाएं हम गुरुवर का संदेशा। चलो घर घर चल के सुनाएं हम गुरुवर का संदेशा। प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के बाद से अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वह सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट
युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूक भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी, कर्मयोगी, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। दर्शन देवे यारे करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे यारे करुणा के निधान, मिल है भक्ति, मिल है शक्ति, मिल है ज्ञान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आए करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आए करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान, मजदूर, बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय, अनीति, अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। जिनने लाखों और करोड़ों कर दे मुक्त नशा से, तुम्हें बचावे आ रहे हैं बेकष्ट और दुख की दशा से। जिनने लाखों और करोड़ों कर दे मुक्त नशा से, तुम्हें बचावे आ रहे हैं बेकष्ट और दुख की दशा से। जिनके चरणों में, जिनके चरणों में हर मुश्किल को निदान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आलय करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आलय करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो।
प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के वास्ते अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वह सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी, कर्मयोगी, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में 6 दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। जिनकी दृष्टि से तप की तरंगे सदा प्रवाहित होती, जी के ऊपर पड़े तरंगे पाप जन्म के धोती। जिनकी दृष्टि से तप की तरंगे सदा प्रवाहित होती, जी के ऊपर पड़े तरंगे पाप जन्म के धोती। सुखमय जीवन को मिल जाए वरदान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आए करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। दर्शन देवे आए करुणा के निधान, गुरुवर के दर्शन कर लियो। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान, मजदूर, बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय, अनीति, अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की
तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। कई जन्मों के संस्कारों से ऐसो अवसर आवे, इतनी प्यारी छवि है उनकी मन की प्यास बुझावे। कई जन्मों के संस्कारों से ऐसो अवसर आवे, इतनी प्यारी छवि है उनकी मन की प्यास बुझावे। भैया जन जन को, भैया जन जन को कर रहे हम आह्वान, गुरुवर के दर्शन कर लियो, दर्शन देवे आए करुणा के निधान। गुरुवर के दर्शन कर लियो, दर्शन देवे आए करुणा के निधान। गुरुवर के दर्शन कर लियो, दर्शन देवे आए करुणा के निधान। गुरुवर के दर्शन कर लियो। प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के वास्ते अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है व सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी, कर्मयोगी, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। अपने नगर में आ रहे, अपने गांव में आ रहे गुरुवर तारनहार, स्वागत की कर लो तैयारी, ऐसो अवसर फिरने मिल है बारंबार, स्वागत की कर लो तैयारी। वरदानी है महाज्ञानी है सबके दुख हारी, योगेश्वर से ताश्रम स्वामी गुरुवर है अवतारी,
है वरदानी है महाज्ञानी है सबके दुख हारी योगेश्वर से आश्रम स्वामी गुरुवर है अवतारी गुरुवर हर ले हैं गुरुवर हर ले हैं सबके पापों को भार स्वागत की कर लो तैयारी अपने नगर में आ रहे गुरुवर तारनहार स्वागत की कर लो तैयारी आत्मीय भाइयों एवं बहनों वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय अनीति अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। उजड़ गए परिवार हजारों नशा मांस के कारण गुरुवर सब हो दर्शन देके दुखों को करे निवारण उजड़ गए परिवार हजारों नशा मांस के कारण गुरुवर सब हो दर्शन देके दुखों को करे निवारण अब तो छोड़ो सारे विषय बेकार स्वागत की कर लो तैयारी अपने गांव में आ रहे गुरुवर तारनहार स्वागत की कर लो तैयारी प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के वास्ते अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है व सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही
राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी कर्मयोगी धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। मुश्किल हुई है दूर ओ भैया जो गुरु दर्शन पावे, घर घर जाके बता दो भैया को रे ना जावे। मुश्किल हुई है दूर ओ भैया जो गुरु दर्शन पावे, घर घर जाके बता दो भैया को रे ना जावे। माँ के चरणों से जुड़ जे है अपनों तार, स्वागत की कर लो तैयारी। अपने नगर में आ रहे गुरुवर तारनहार, स्वागत की कर लो तैयारी। ऐसो अवसर फिर ना मिले बारंबार, स्वागत की कर लो तैयारी। स्वागत की कर लो तैयारी, स्वागत की कर लो तैयारी। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय अनीति अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का षष्ठ दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। जिनके दर पे जाके लाखों अपने भाग जगा रहे, विशिष्टाश्रम के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। विशिष्टाश्रम के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। विशिष्टाश्रम के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। अपनी कृपा की दृष्टि से वे, अपनी कृपा की दृष्टि से वे दुख दुखियों के मिटा रहे। विशिष्टाश्रम के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। विशिष्टाश्रम के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के वास्ते अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वह सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार
वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी, कर्म योगी, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में 6 दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। आ रही है शुभ घड़ी प्यारी, स्वागत की कर लो तैयारी। योगी राज नगर में आ रहे महातपस्वी हैं अवतारी। दर्शन करियो चूक न जइयो, दर्शन करियो चूक न जइयो, भैया सब खबता रहे। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वर्तमान समय में पूरे समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। लोग भय भूख भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। किसान, मजदूर, बेरोजगार आत्महत्या करने को बाध्य हैं। इन्हीं विषम परिस्थितियों के बीच कुछ लोग अन्याय, अनीति, अधर्म का सहारा लेकर और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं, जो मानवता को सतत लूट रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच हमारे मध्य प्रदेश की जनता तड़प रही है, कराह रही है। अतः भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2018 से दिनांक 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का 6 दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है, जिसमें हम समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप भी इस विशाल यात्रा में सम्मिलित हों। सबके अवगुण दूर भगावे, सबके सोए भाग जगावे, ऊंच नीच और छोटे बड़े क्या बेसब का चरणों से लगावे। जैसे नास होए घर घर की, जैसे नास होए घर घर की, बेसब को नशा छुड़ा रहे।
प्रदेश की 25% से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर है। लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं। आजादी के वास्ते अब तक हमारे राजनेताओं ने प्रदेश को सिर्फ आश्वासन ही दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वह सबसे खतरनाक कदम सरकार द्वारा स्वयं नशे का व्यवसाय करके पूरे प्रदेश को लूटा गया है। प्रदेश के अधिकांश लोगों को शराबी बना दिया गया है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। पर हमारी प्रदेश सरकार वर्तमान में भी नशे का व्यवसाय बंद करने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का ही संरक्षण प्राप्त करके शराब माफिया व नशे के कारोबारी पूरे प्रदेश में आतंक का पर्याय बने बैठे हैं। प्रदेश की जनता शराब माफियाओं से त्रस्त व परेशान है। अतः वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा गठित भगवती मानव कल्याण संगठन ने अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की जनता को उसके कर्तव्य का बोध कराकर सबको साथ लेकर सरकार को बाध्य करेंगे कि इस वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश घोषित करें, अन्यथा जनता से आह्वान करेंगे कि वह ऐसी पार्टी को वोट ना दें जो नशे का व्यवसाय करके प्रदेश को बर्बाद कर रही है, बल्कि ऐसी पार्टी को वोट दें जो नशा मुक्त, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त व अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त जाति धर्म संप्रदाय के भाई बहनों व सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही राजनीतिक दलों का भी आह्वान करते हैं कि महान तपस्वी, कर्मयोगी, धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के क्रम की तृतीय चरण की यात्रा का दिनांक 4 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2018 तक सागर जिले में 6 दिवसीय विशाल क्रम रखा गया है। उसमें सम्मिलित होकर आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश को नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में सहभागी बनकर अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए संगठन की इन क्रमिक यात्राओं से जुड़कर इस परिवर्तन के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी बने। मूरत उनकी ऐसी प्यारी देखत से मिटे पीड़ा सारी, गुरुवर है करुणा के सागर सबके हरे दुख है दुख हारी। घर घर माँ की जोत हृदय में, घर घर माँ की जोत हृदय में, भक्ति दीप जला रहे अपने गांव में आ रहे। देश दास के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। देश दास के स्वामी गुरुवर अपने गांव में आ रहे। चलो घर घर चल के सुनाएं हम गुरुवर का।